वेलकम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। उसके लिए हमें चाहिए मैदा 1/2 किलो, टमाटर ये मैंने क्यूब्स में काट लिए 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, ये मैं ऑलिव यूज़ कर रही हूँ ग्रीन एंड ब्लैक, ये जितने आपको लगे उतना ले लें। चिकन लिया है मैंने 1/2 किलो बोनलेस, 2 अंडे, 1/2 कप है ये ड्राई मिल्क है, 1/2 कप ऑयल है, सोया सॉस है, चीज़ है, ये चिकन टिक्का मसाला है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, ये ऑयल दूध है, और ये मैंने ईस्ट 1 चम्मच लेके 1 टेबल स्पून लेके इसको मैंने पानी में नीम गर्म पानी में 10 मिनट के लिए रख दिया। अब हमने करना है कि अपने 1/2 किलो आटा मैदा लिया है, इसमें हम डालेंगे नमक, सॉल्ट, सॉल्ट आएगा 1/2 टीस्पून, अब हम लेंगे अपने 2 अदद अंडे, ये हमारे 2x चले गए, ये हम 1/2 कप ऑयल का डालेंगे। आपकी मेजरमेंट सही होगी तो आपका पिज्जे की डो कभी भी खराब नहीं होगी और आपका पिज्जा बहुत अच्छा बनेगा। हम ये अब 1/2 कप डालेंगे ड्राई मिल्क, ये ईस्ट है जो मैंने भिगो दी थी, 1 चम्मच डाल के 1 टीस्पून था, इसको नीम गर्म पानी में डाल के मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था, ये डालेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे, देखेंगे अगर दूध की ज़रूरत पड़ी तब हम उसको डालेंगे, नहीं तो अदरवाइज इसी से गूंद लेंगे। दूध भी मैंने नीम गर्म कर लिया हुआ है। अच्छी तरह से इसको हमने गूंदना है। देखिए हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया, लेकिन इसमें अभी नहीं हुआ, ये हम तो एक दफ़ा ज़्यादा ही नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम दूध डालेंगे। ये तकरीबन पूरा कप ही दूध का इसमें डल जाएगा, आप देख लीजिएगा, आप जब गूंदेंगे तब आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं इस तरह हमने इसको गूंदना है, ना ये इसकी डो ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, नॉर्मल हो। अच्छा, जब ये इस कंडीशन में आ जाए इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें, इसे रेस्ट दे दें 10 मिनट के लिए।
वैसे हमने डो को हाफ एंड हावर के लिए रखना है, आधे घंटे के लिए। अभी आप इसको रेस्ट दे दें, ये इस कंडीशन में आ गया। ये देखिए व्यूवर्स, हमने अपना 5 से 10 मिनट के लिए उसको रेस्ट पे रख दिया है। अब हमने एक पतीली लेनी है, एक पैन ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालें, बिल्कुल मामूली सा ऑयल डालना है। उसके अंदर हमें चिकन डालेंगे। अब हम इसकी टॉपिंग तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल मामूली सा ऑयल डालना है कि ऑयल ज़्यादा ना हो। देखिए हमने अपना चिकन डाल दिया। अब हम इसे अच्छी तरह से ज़रा इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। इसे मैंने बिल्कुल मामूली सा ऑयल डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। ये होगा कि जब तक हमारी ये चिकन की टॉपिंग तैयार होगी हमारे पिज्जे की, तब तक हमारा डो जो है वो रेडी हो जाएगा। देखिए इसका कच्चापन ख़त्म हो रहा है। अब इस पे मैं इस 2 चम्मच टिक्के मसाले के और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का डाल दूँगी। तो आप देख लीजिएगा, जैसे अगर आपको टॉपिंग ज़्यादा स्पाइसी करनी है तो आप टेस्ट कर सकते हैं, कम थोड़ी ज़रा मीडियम रखनी है। साथ ही इसके मैं 2 टेबलस्पून सोया सॉस का डाल दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करना है, जब तक पकाना है जब तक पक गए हमारा चिकन गल जाए। ये चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया, ये अभी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, ये 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए 5 मिनट के बाद मैं डो को ये कंडीशन है, इसको अच्छी तरह से ऐसे कर लेंगे। देखिए ये हो गया। अब हम इसको इसके ऊपर कपड़ा देके इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा चिकन रेडी है। अब हम अपने स्टोव को ऑफ कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, आधा घंटा हो गया है और हमारी डो तैयार है। अब हम इसको बेलेंगे। आप इसे किसी भी शेप में बेल लें, मैं इसे स्क्वायर शेप में बेलूँगी। आप पहले अपना सरफेस थोड़ा सा डस्ट कर लीजिएगा ताकि चिपके ना। आपने जो सी शेप देनी है आप इसको शेप दे सकते हैं। एक अच्छी तरह से इसकी सारी साइड्स अच्छा। आपने ओवन पहले से 10 मिनट पहले ही प्री हीट कर लेना है, ओवन चला लेना 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
ये है कि मेरे पिज़्ज़े की डो अब तैयार है। अब मैंने एक ट्रे लेनी है, ठहरे ज़रा मैं इसको थोड़ा पीछे कर दूँ ताकि जगह बने आपको नज़र आए। मैंने एक ट्रे ले ली, इसको मैंने बटर पेपर रख लिया। अब मैं इसको हल्का सा ग्रीस करूंगी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। देखिए मैंने बिल्कुल हल्का सा घी लेके इस सारे को ऐसे करके ग्रीस कर लिया। अच्छा, मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी, मैंने सिंपल केचप लेके उसके अंदर थोड़ा सा विनीगर, थोड़ा सा सिरका डाला है और थोड़ी सी दंदरी मिर्ची होती हैं, रात दांदड़ा मिर्चें रेड, वो मैंने डाल के उसका पेस्ट बना लिया। ये देखें, अगर आपने स्पाइसी पेस्ट बनाना है तो आप इसमें रेड दंदरी मिर्चें जो होती हैं कश्मीरी वो डाल सकते हैं। मुझे स्पाइसी नहीं चाहिए था इसलिए मैंने सिर्फ विनीगर और केचप डाल के इसकी पेस्ट बना लिया। अब मैं इसके ऊपर हमारे पिज्जे की आप सही कर लें, इसके ऊपर हम अपनी पिज्जा सॉस ढक जाएंगे। अच्छी तरह से लगाइएगा, कि अच्छी तरह से सारी साइड्स पे पिज़्ज़ा सॉस लगा लें। देखिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया, सॉरी। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी चीज़, इससे ये होता है कि आपकी टॉपिंग गिरेगी नहीं, और ज़रा चीज़ की लेयर भी, जैसे आप खाते हैं पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज वगैरह का, उनके चीज़ की लेयर्स भी आपको नज़र आती है। क्योंकि अच्छी तरह से इसको चीज़ को डाल लीजिएगा। मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ, अब मैं इसके ऊपर ये जो मैंने चिकन की टॉपिंग बनाई थी ये लगाऊंगी। ये देखिए हमने अपना सारा चिकन डाल लिया, अब मैं इसके ऊपर अपनी बाकी सारी टॉपिंग डालूंगी। टमाटो, टमाटर ओनियन, देखिए और कैप्सिकम, शिमला मिर्च, साथ ही ऑलिव्स भी डाल दूंगी मैं। ज़रा टॉपिंग ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं इसकी टॉपिंग ज़रा ज़्यादा करती हूँ। मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये सब जगह पे टॉपिंग हो गई है इसकी।
क्योंकि अब हमारी टॉपिंग हो गया, हम इसके ऊपर फिर दोबारा चीज़ की लेयर लगाएंगे। मेरे पास वो चीज़ ख़त्म हो गई जी, तो इसलिए मैं अभी इस वक्त दूसरी चीज़ यूज़ कर रही हूँ। ये भी चैटर चीज़ ही है, देखें सारी जगह पे अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। आप लेके आएंगे तो कि मैं एक बड़ा पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक, ज़रा मेरे घर में चीज़ ज़्यादा खाई जाती है, ज़रा चीज़ ज़्यादा पसंद की जाती है, तो मैं चीज़ ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी ये टॉपिंग हो गई है सारी, अब हम इसे ओवन में रखेंगे 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही। ओवन पहले से प्री हीट कर लेना है 180 पे। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए ओवन में रखूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैं ओवन में रखती हूँ